Assalamualaikum, how are you all? I hope everybody is fine, happy, healthy and energetic. I wish कि हर कोई जो है लाइफ में बहुत खुश हो, बहुत पॉजिटिव हो और सबके लिए बहुत हेल्पफुल हो. With this message, I want to say you Assalamualaikum. I am Humaira and you are watching BABSC FAFSC English lessons. Bye, Professor Humaira. You are most welcome to this channel. But wait a little. If you are new to this channel and you are watching the video for the first time, let's subscribe the channel and hit the bell icon so that you must be updated about the upcoming videos related to BABSC and FAFSC. Obviously, in the meanwhile, after completing the syllabus of these classes, I'll also start English language learning series that will help you throughout, inshallah. And my motto in life is that can never stop in life. If you are working for the cause of good and if you are working for the benefit of humanity, keep on moving even if it benefits the few people. So with this motive, I am always encouraged, I am always motivated because I am also a person who gets self-motivation. मैं उन लोगों में से हूँ जो अपने आप को खुद ही सेटबैक फेस करते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं और फिर अपने आप को खुद ही मोटिवेट करते हैं. तो आई एम अमंग दोज हु आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड दे कीप ऑन डूइंग द थिंग्स. ओके, this was the message and today we are going to study chapter number 13. Oh, it's chapter number 14, The Lost Childhood by Graham Greene, and we are going to have a discussion about the essay, its critical analysis and everything about the essay. तो सबसे पहले देखते हैं कि इस एसे में क्या है. इस एसे में ग्राहम ग्रीन ने अपने चाइल्डहुड पीरियड का जिक्र करता है कि किस तरह उसकी जो इन्फैटुएशन, उसकी जो एसोसिएशन थी वो बुक्स के साथ थी और वो किस तरह किताबें पढ़ के अपनी फ्यूचर लाइफ को इमेजिन करता था. एक तो ये बात हम पढ़ने जा रहे हैं कि वो किताबें पढ़ता था, किताबें उसके ऊपर किस तरह इन्फ्लुएंस करती थी और कितना इन्फ्लुएंस करती थी कि वो अपने फ्यूचर ईयर्स में ऐसे प्रिडिक्ट करना और झांकना शुरू कर देता था कि मेरे आने वाले जो साल हैं, जो जो मेरी नेक्स्ट आने वाली लाइफ है वो ऐसी होगी. दूसरा, वो कहता है कि हमारी लाइफ में जो हमारा सबसे ज़्यादा रोल होता है वो हमारे बचपन में पढ़े गए लिटरेचर का होता है. आप खुद भी ये पढ़ के सुन के अपने आप को इससे रिलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने अपने आप को रिलेट किया कि ऑब्वियसली हम अगर वो जासूसी नॉवल और हमारे टाइम पे वो इमरान सीरीज और जासूसी छोटी छोटी स्टोरीज होती थी तो हम वो पढ़ते थे, तो इस चीज़ का आपके कैरेक्टर, आपके माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है, इफेक्ट होता है. तो लाइक वाइज ग्राहम ग्रीन ने भी कहता है कि आपने बचपन में जो लिटरेचर पढ़ा होता है वो आपके जहन के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालता है. और इस बात के प्रूफ के लिए हम चलते हैं अपने एसे की तरफ और हम एसे का पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं. आई एम रिपीटिंग, दिस इज चैप्टर 14, द लॉस्ट चाइल्डहुड, रिटन बाय ग्राहम ग्रीने एंड दिस इज इंक्लूडेड इन BSc इंग्लिश इन पाकिस्तान पंजाब यूनिवर्सिटी सेलेबस और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा सेलेबस. तो पहला पैराग्राफ देखिए, परहैप्स इट इज़ ओनली इन चाइल्डहुड, यकीनन ऐसा शायद बचपन के दौर में ही होता है, दैट बुक्स हैव एनी डीप इन्फ्लुएंस ऑन आर लाइव्स, कि किताबों का हमारी ज़िंदगी के ऊपर गहरा असर होता है. इन लेटर लाइफ वी एडमायर, वी आर एंटरटेन, और बाद वाली ज़िंदगी में हम उनकी तारीफ़ करते हैं, उनसे लुत्फ़ानंदोज़ होते हैं. वी मे मोडिफाई सम व्यूज़ वी ऑलरेडी होल्ड, और हम अपने पहले से जो हमारे नज़रियात होते हैं उनमें थोड़ी बहुत तब्दीली करते हैं, बट वी आर मोर लाइकली टू फाइंड इन बुक्स मेरली अ कन्फर्मेशन ऑफ वट इज़ इन आर माइंड्स ऑलरेडी. लेकिन ज़्यादातर हम किताबों की मदद से उन नज़रियात की तस्दीक करते हैं जो हमारे जहन में पहले से मौजूद होते हैं. एज इन अ लव अफेयर इट इज़ आर ओन फीचर्स दैट वी सी रिफ्लेक्टेड फ्लैटरिंगली बैक, जैसे कि एक मोहब्बत में होता है कि हम अपनी खसूसियात को दूसरों की सूरत में बढ़ चढ़ कर ज़्यादा बदर्जे उला जो दूसरे में मौजूद होती हैं तो हम उसको अप्रिशिएट करना शुरू हो जाते हैं. तो यह है पहला पैराग्राफ जिसे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि पूरे चैप्टर के अंदर जो चीज़ डिस्कस होने जा रही है वो है इन्फ्लुएंस ऑफ बुक्स ऑन चाइल्ड
इन द पीरियड ऑफ चाइल्ड हुड ऑन द राइटर्स पर्सनैलिटी, कि उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर जो चाइल्ड हुड है, जो बचपन है, उसका कितना असर हुआ, और ओवरऑल इसका बहुत ज़्यादा असर होता है. तो पहली सबसे बात जो हम देखते हैं, कनेक्शन बिटवीन चाइल्ड हुड एंड बुक्स. तो इसका मैंने आपको पैराग्राफ पढ़ के भी बताया कि इसका बहुत ज़्यादा असर होता है, बिकॉज आप जो भी किताब पढ़ते हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस चल रहा होता है लिटरेचर के साथ और आप फर्स्ट टाइम रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो यू बिकम लॉस्ट इन बुक्स, बिकॉज वो जो एज होती है वो इमेच्योर होती है और माइंड स्लेट अभी बहुत ज़्यादा फुल नहीं हुई होती ज़िंदगी के तजुर्बात से, लोगों के साथ मिलने मिलाने से. तो आप फर्स्ट टाइम जब वो इन द एज ऑफ 10 to 14 बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपकी जो थेरीज हैं और आपके जो आइडियाज़ हैं वहीं से बनना शुरू हो जाते हैं. फिर आप सोचना शुरू कर देते हैं कि आपने जो है बचपन में ये किताबें पढ़ रहे हैं, तो आप मुस्तकबिल में फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं. और आप बहुत सी ऐसी किताबें होती हैं जो आपका माइंड ब्राइटन कर देती हैं. ये राइटर कह रहा है कि बहुत सी बुक्स ऐसी आप पढ़ते हैं जिनसे आपका माइंड ब्राइटन होता है और आप फ्यूचर की राहें देखना शुरू कर देते हैं. जैसे राइटर जो है वो देखना शुरू हो गया कि अपने आप को मुश्किल टफ टाइम आ सकता है. जैसे नॉवेल्स इंसान पढ़ता है तो स्टोरीज ऑफ लाइफ होती हैं नॉवेल्स बेसिकली, तो वो कहता है कि वो पढ़ने के साथ ही उसके अंदर ये फीलिंग्स आ रही होती थी कि अब टफ टाइम आ रहा है, मेरे साथ क्या होगा. आप फ्यूचर को इमेजिन करते हैं फिर कि मेरे साथ अच्छे हालात आएंगे, बुरे हालात आएंगे. फिर हम देखते हैं कि राइटर के ऊपर कुछ स्पेसिफिक राइटर्स ने बड़ा असर किया, जैसे इन्फ्लुएंस ऑफ डिक्सन बर्थ जो है उनकी बुक्स का. और फिर राइटर बड़ा खूबसूरती से बयान करता है कि उनका जो घर था वो एक भरा पूरा ख़ानदान था, पूरी फैमिली इकट्ठी रहती थी, तो बहुत बड़ा ख़ानदान था. तो इसी तरह जो किताबों की अलमारी थी वो भी बुक शेल्व्स बहुत ज़्यादा थे. तो उसका बस नहीं चाहता था कि सब इधर उधर हों तो वो एक बुक उठा के बैठ जाए, यानी कि शौक से पढ़ना शुरू कर दे, कि ही यूज़ टू टेक इट. और वो समझता था कि बुक्स उसके लिए सिर्फ ये नहीं थी जैसे रेलगाड़ी के डब्बे आपस में जुड़े हुए हों तो जुमलों की सूरत में, लाइक फॉर ग्रामर और फॉर अंडरस्टैंडिंग एनी थिंग और फॉर अंडरस्टैंडिंग एनी लैंग्वेज, द बुक्स और द लिटरेचर वॉज नॉट लाइक दैट फॉर हिम. लेकिन वो कहता है कि बुक्स मेरे लिए एक ट्रेयर हाउस होता था ऑफ लर्निंग, ऑफ नॉलेज, ऑफ डीप इन्फ्लुएंस, और अंदर जाने का, गुम होने का, ड्रीम करने का, ख्वाब देखने का. फिर वो कहता है कि डिक्सन ब्रेड के जो नॉवल हैं उसके बहुत ज़्यादा इसने पढ़े हैं, तो इसकी मदर ने इसको सबसे पहले, या लाइक ये चाहता था कि किसी को पता ना चले, कि नोबडी शुड नो के ही हैज स्टार्टेड रीडिंग और ही नोज हाउ टू रीड. लेकिन एक दफ़ा वो रेलगाड़ी में जा रहा था तो उसकी मदर ने उसको एक बुक गिफ्ट की जिसके ऊपर एक लड़के की पिक्चर बनी हुई थी जो कुएं में गिर रहा था और ख़ुद को बचा रहा था. तो दिस वाज लाइक एन एक्सपेंडिचर बुक बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर्स एक्सपेडिशन सॉरी द बुक्स बेस्ड ऑन एक्सपेडिशंस मुहिमात के ऊपर. यस, मुहिमात के ऊपर नावल था. दैट वॉज रिटन बाई डिक्सन ब्रेड. इसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म था. तो जो किताब का टाइटल था उसके ऊपर एक लड़के की पिक्चर बनी हुई थी, जैसे उसके पांव बंधे हुए थे और उसके मुंह में कपड़ा था और वो कुएं में रस्सी की मदद से लटका हुआ था. तो राइटर यही चाहता था कि किसी को भी पता ना चले कि ये बुक्स पढ़ रहा है और इस तरह की किताबें पढ़ रहा, बिकॉज ये किताब पढ़ने के बाद ही फेल्ट हिमसेल्फ वेरी अनकम्फर्टेबल. बट he was of the view कि he was feeling himself secure, safe, like ठीक है, कि उसका जो sense of seeing था, या आप कह लें एक sense होती है, ये exposure जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता गया, उसका किसी चीज़ को देखने का नुक्ता नज़र बहुत ज़्यादा बड़ा होता गया, क्योंकि उसने imagine करना शुरू कर दिया, ये relate करना शुरू कर दिया खुद को, कि जिस तरह नॉवेल्स में लाइफ डिपिक्ट की जा सकती है, इसी तरह वो खुद जो है देखना शुरू हो गया कि मेरी लाइफ में भी जो इन फ्यूचर ईयर्स हैं उसमें मुश्किलात आ सकती हैं, खुशियां आ सकती हैं और चैलेंजेस आ सकते हैं. और इन चैलेंजेस को उसने, मतलब खुद को उसने मेंटली तौर पे प्रिपेयर कर दिया. इसीलिए तो कहते हैं जो बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं, किताब बीनी करते हैं, मुताला करते हैं, उनके लिए नथिंग रिमेंस डिफ़िकल्ट, कुछ मुश्किल ही नहीं रहता उनके लिए, क्योंकि वो जान जाते हैं कि जब वो, क्योंकि वो उन्हें फिर इस तरह ज़िंदगी का पता चल जाता है, दुनिया का, यहाँ के उतार चढ़ाव का और यहाँ के अप्स एंड डाउन्स का और यहाँ के इन्स एंड आउट्स का, कि क्या हो सकता है, क्या होने जा रहा है. दिस थिंग
फिर वो कहता है कि वाइल रीडिंग द बुक्स ही इमेजिन 14 इयर्स ओल्ड बॉय यूज टू इमेजिन हिमसेल्फ समटाइम्स एन अकाउंटेंट समटाइम्स अ सिविल सर्वेंट समटाइम्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट समटाइम्स डूइंग अ गुड जॉब इन अ बैंक एंड समटाइम्स एन एग्रीकल्चर जॉब इन चाइना. तो इस तरह की चीज़ें जो हैं बेस्ड ऑन एक्सपीडिशंस वो इस तरह कर रहा था. ठीक है, और फिर उसकी मदर ने जब वो जो बुक उसको वो जो पढ़ रहा था डिक्सन ब्रेड का नावल, वो खुद ही वो पढ़ रहा था, उस नावल को देखते हुए उसकी मदर ने कॉरल आइलैंड की बुक इसे गिफ्ट की थी. वैलेंटाइन की किताब कॉरल आइलैंड इसे गिफ्ट की थी. ओके, ये करेक्शन कर लीजिएगा. देन जो है वो कहता है इस किताबें पढ़ने के बाद उसे इतना हो गया कि उसने खुद को ये भी अपने फ्यूचर ईयर्स में देख लिया कि मौत उसे कैसे और कब आएगी. जैसे ये हमारा फेवरेट टॉपिक होता है ना कि हमने बस ये हम काम कर लें इसके बाद बेशक हम मर जाएं, जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स कहते हैं या इस तरह करके. तो वो कहते हैं फिर हम मौत की भी अपनी मर्जी की सजेस्ट कर लेते हैं. फिर राइटर की जो एसोसिएशन है, जो लव है, जो कंपेनियनशिप है बुक्स के साथ, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई कि ही सेड ईच बुक वॉज अ क्रिस्टल टू मी, कि हर किताब उसके लिए एक क्रिस्टल थी. क्रिस्टल मीन एक शफाफ कलम की तरह, कि हर शेल्व्स जो हैं, जैसे उसने बताया ना कि उसके घर में बहुत ज़्यादा बुक्स थी और बड़े बड़े शेल्व्स थे, तो इन बुक्स ने हैव अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन हिज माइंड मेमोरी एंड हिज फ्यूचर लाइफ्स बिकॉज ही शोड हिम वास्ट अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज द चैलेंजेस एंड द प्रॉब्लम्स एंड द ट्रायल्स ऑफ लाइफ. देन जो है हर किताब का जो इन्फ्लुएंस था वो उसके ऊपर मुख्तलिफ था. फिर आगे जब वो बढ़ता गया बुक्स पढ़ती तो गैगुल की जो बुक्स थी दैट वाज आल्सो बेस्ड ऑन एक्सपीडिशंस उसने उसे बहुत ज़्यादा मुतासर किया, इफ़ेक्ट किया. फिर जब उसने अफ्रीकन कैंप्स के बारे में गैगुल की बुक्स पढ़ी और उनकी मुश्किलात के बारे में, देयर ट्रायल्स देयर डिफ़िकल्टीज इन लाइफ, तो उसने ख़ुद को भी उनके साथ ही ऐसे बिस्तर पर पड़े हुए पाया एंड सफरिंग फ्रॉम फीवर कोल्ड एंड सच सॉर्ट ऑफ टफ सिचुएशंस ऑफ लाइफ, और उसे लगा कि वो भी उनके साथ ही किसी बुरे टाइम से गुजर रहा है और किसी खौफनाक जो टाइम पीरियड है वो देख रहा है, फेस कर रहा है. देन जो है हम देखते हैं इन द लास्ट उसके ऊपर बुक्स का दैट वॉज सच अ डीप इन्फ्लुएंस दैट इनकरेज्ड हिम ऑन राइटिंग हिमसेल्फ. फिर जो है किस बुक ने इसे बहुत ज़्यादा और किस राइटर ने इम्प्रेस किया, दैट वाज मिस बाउन द वाइपर ऑफ मिलान. ये वो किताब थी जिसने उसे मतलब द वाइपर ऑफ मिलान मतलब मिलान का सांप, और ये मिस बाउन की बुक थी और दैट हैज़ डीप इन्फ्लुएंस ऑन हिज माइंड, इट हैज़ ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस. और देन जो है उसने उसे लिखने पे मतलब इनकरेज कर दिया और वो एज अ राइटर बन गया और लिखना शुरू हो गया. फिर जो है आप इमेजिन आप देख सकते हैं, यानी कि ये चीज़ पढ़ने के बाद व्हेन यू विल राइट एंड व्हेन यू विल कम टू नो दैट मिस बाउन बुक्स द वाइपर ऑफ मिलान इन्फ्लुएंस्ड एंड एडमायर्ड एंड इनकरेज्ड हिम सो मच दैट ही हिमसेल्फ स्टार्टेड राइटिंग और सच ही डिटर्मिंड हिमसेल्फ और ही पेव्ड हिज लाइफ he paved his ways of writing for himself के वो अपनी ज़िंदगी में अब लिखेगा. तो आप इमेजिन कर सकते हैं या आप लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि रियल सेंस में किताबें जो हैं वो बहुत ज़्यादा असर रखती हैं, और जो लोग इनसे एसोसिएशंस अटैच कर लेते हैं और इनको पढ़ना शुरू कर देते हैं और जिन लोगों को किताबों से मोहब्बत होती है वो वाकईतन फिर किताबें पढ़ना चाहते हैं और किताबों से बहुत इन्फ्लुएंस भी लेते हैं. फिर जो है हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे इस बुक ने इसको इन्फ्लुएंस कर दिया. उसके जो कैरेक्टर्स थे वो इतने पावरफुल थे और ये स्टोरी ऑफ वॉर थी ड्यूक ऑफ मिलान और ड्यूक ऑफ वेरोना के दरमियान, एंड इट वाज फुल ऑफ जील एंड जेस्ट एंड विगर. और जो कैरेक्टर था मिलान का, लाइक ड्यूक ऑफ मिलान का, विद इट्स ब्यूटी, उसका पैशंस, उसका वैलर, उसकी ब्रेवरी, उसकी जीनियस, उसने उसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया. और उसने इतना ज़्यादा टेरर एक्सरसाइज किया दूसरे अपने अपोनेंट के ऊपर कि वो फील्ड छोड़ने पे मजबूर हो गया. और फिर उसने इनसे दरमियान इन स्टोरी से उसने ये सीखा कि जो बुराई होती है वो हर जगह मौजूद होती है,
अपनी तमाम तर शान व शौकत और अपनी तमाम तर अट्रैक्शन और अपनी तमाम तर हैसियत के साथ। इसी तरह जो नेकी है उसका कुछ हिस्सा दुनिया में मौजूद है, इसीलिए वो कहता है कि लोग बुराई की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं और बहुत जल्दी बुरे काम करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो साथ ही ये कहता है कि बुराई और अच्छाई के दरमियान क्लियर स्ट्रीम लाइंस भी हैं। जो लोग अच्छाई के रास्ते अपनाते हैं और अच्छे अच्छे काम करना शुरू करते हैं उन्हीं की जीत होती है। और इसी स्टोरी से वो ये कंक्लूजन ड्रॉ करता है कि ये जो लड़ाई थी दो ड्यूक्स के दरमियान, उनमें जो है कामयाबी किसकी हुई? सच की हुई, अच्छाई की हुई, गुडनेस की हुई। तो इस चीज़ ने इसे इस सेंस में भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया कि थीम ऑफ द नावल, द कैरेक्टर्स ऑफ द नावल वर सो पावरफुल, सो स्ट्रॉन्ग दैट इन्फ्लुएंस्ड हिम एंड क्लैरिफाइड हिज कॉन्सेप्ट्स अबाउट लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ दैट वट एवर यू डू, इफ यू डू गुड यू आर एट द राइट पाथ एंड यू विल बी सक्सीडेड, बट इफ यू आर doing bad or if you are doing evil actions you are going to have nothing or you will be humiliated in the end. Then jo hai ye lesson bahut zyada powerful tha. This was lesson of justice and perfect goodness jo usne seekha aur usse dekh ke usne likhna start kar diya. Okay, this was our essay. I hope ki aap logon ko sabko samajh aaya hoga iske main themes, concerns, topics, story सबको क्लियर हो गया होगा। लेकिन उसके बावजूद इफ़ यू फाइंड एनी थिंग डिफ़िकल्ट और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी एनी टाइम, योर क्वेश्चंस विल बी अप्रिशिएटेड एंड आंसर्ड इंशाल्लाह। विद दिस आई वांट टू सी यू गुड बाय एंड सी यू टुमारो और द अदर डे इंशाल्लाह विद अनदर लेसन, ऑब्वियसली लेसन नंबर 15। टिल देन स्टे एक्टिव, स्टे हेल्दी, स्टे पेशेंट एंड स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफ़िज़।